बुलंदशहर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड में हत्यारोपियों को फांसी दिलाने के लिए नारेबाजी कर पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें जनपद के खुर्जा नगर के जेवर अड्डा चौराहे की हैं, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर मृतक रिंकू शर्मा के हत्यारों को जल्द फांसी देने की मांग की है। बजरंग दल के जिला संयोजक सुमित राघव ने बताया कि बीते दिनों दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू के घर में घुसकर कुछ दबंगों ने हमला किया और संगठन के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। संगठन ने हत्यारोपियों को जल्द फांसी देने के साथ पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी की भी मांग की है। सुमित राघव, जिला संयोजक बजंगल खुर्जा। 10 जनवरी को दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रिंकू शर्मा बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, जिनकी मुस्लिम युवकों द्वारा चाकू मार करके लाठी डंडों से घर में घुस करके हत्या कर दी गई। और हत्या का विषय क्या था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अभियान में वो लगे हुए थे, धन संग्रह करने में लगे हुए थे। उनको इतना रास नहीं आया कि भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बने और हिंदू उसमें उत्साहित होकर के भाग ले, उन्हें ये रास नहीं आया। और एक विशेष बात, जो कि एक हत्यारों में एक व्यक्ति था इस्लाम, उसकी पत्नी को हमारे कार्यकर्ता ने कुछ दिनों पहले जब वह गर्भवती थी उसे रक्त दिया था। और हत्यारों में उसी का एक पत्नी का पति इस्लाम उन हत्यारों में मौजूद रह करके एक हिंदू भक्त का, राम भक्त का कत्ल कर देता है। और अभी तक उसे दिल्ली पुलिस उसे घुमाने का प्रयास करती है। बात को वह कहती है कि एक जन्मदिन पार्टी से कोई झगड़ा हुआ और उसके कारण इनमें वाद विवाद हुआ और इनका हत्या कर दी गई। आगे संगठन की रणनीतियां ये हैं, एक दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से अपील है संगठन की, एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ की आर्थिक आय और रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी की सजा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर जो केंद्र सरकार जो तय करेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक संगठन का जो आदेश होगा, एक पूरे विश्व भर, देश भर में एक देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और जगह जगह आंदोलन, उग्र आंदोलन करे जाएंगे। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। बजरंग दल एक उग्र आंदोलन को पूरे देश में, देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए हमिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।